I've fallen in love with I Love. I love. Él vole, wow. समय समय पर ठीक से दवाई लेते रहना। हाँ सर, नमस्ते सर। हाँ, नमस्ते, 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 नमस्ते सर। आइए सर। नमस्ते। हाँ। साहब जी, आपने बुलाया? डीन ने बी ब्लॉक साफ करने के लिए कहा है, चाहे कितने भी बच जाए साफ करके ही जाना, ठीक है? ठीक है साहब जी। ये ले। ये क्या है? आप चोली खेलो, मुझको तुम पहचानो। ए ब्लॉक पूरा क्लीन कर दिया ना? हाँ, करवा दिया। क्या बात है, यहाँ आके बैठी हुई है? मेरा सर घूम रहा है। चाबी कहाँ है? दरवाजा खुला हुआ ही है। लगता है इसे बहुत चर्बी चढ़ गई है। उसे साफ करने के लिए कहा था, कुछ भी नहीं किया। ऊपर से डीन पहुँचने वाले हैं, बहुत चिल्लाएंगे। रमेश, मुकेश, अरे कहाँ हो तुम लोग? वो सब कहाँ है? वो अंदर सफाई कर रहे हैं। वो तो तुझे करना था ना? तब ये ठीक नहीं है। तो डॉक्टर को दिखाकर इंजेक्शन लगवा लेना। रमेश, मुकेश, मुकेश। स्वामी जी, यहाँ के बच्चों की पढ़ाई खराब ना हो इसीलिए जो इंसिडेंट हुआ है उसे हमने बता दिया कि ऊपर से पैर फिसलने की वजह से गिर गए थे। लोग भूत देख के भागते हैं, लेकिन भूत मुझे देख ले तो उल्टे पांव भागता है। आपका ये एहसान मुझ पर नहीं, बच्चों की पढ़ाई पर होगा। तुम यहीं वेट करो डॉक्टर, भूत पकड़ के लाता हूँ, सेल्फी निकालेंगे। जय काली, भद्रकाली, चंडी चामुंडेश्वरी। तो क्या यही बी ब्लॉक है? अरे बापरे, मैं तो खोलूंगा ही नहीं। भूत तेरी जय हो। जब तक अंधविश्वास है ऐसा होता ही रहेगा, यही मेरा सिद्धांत है। अपना पेमेंट लेकर एक अद्धा चढ़ाकर झूठ बोलकर 9-2-11 हो जाऊंगा। ये क्या टैंक घूम रहा है? चोली खेलो, मुझको पहचानो। अरे बाप रे, सचमुच के भूत है। ए, मेरे पास मत आना, इसमें बंद कर दूंगा। आजा। अरे बाप रे, सोचा था दारू पीने से डर नहीं लगेगा, लेकिन ये तो सारा खेल ही पलट गया। ए, मुझे कुछ मत कर। ए चुड़ैलो, मुझे कुछ मत करना। बाप रे, मेरी वाट लगा दी।
स्वामी क्या हो गया? बहुत मुश्किल से अपनी शक्ति से सारी चुड़ैलों को पकड़ के इसमें बंद कर दिया। हा? स्वामी जी, आपने साबित कर दिया कि आप भूत पकड़ने में महान हैं। क्या साबित कर दिया मुझे कैसे ठोका, मैं ही जानता हूँ। इन चुड़ैलों को आधी रात में शमशान में ले जाकर गाड़ने से ही पूर्ण मुक्ति मिलेगी। ये लो स्वामी जी, ये काम अगर आप अपने हाथों से करोगे तो कार्य सफल हो जाएगा, पूर्ण मुक्ति मिल जाएगी। आपका मेरे ऊपर इतना विश्वास है, आप बहुत ही महान है। अब जल्दी से मेरा माल निकालिए ना। भास्कर, इनको पैसे दे दो। सर, ऐसी एक डॉक्टर की डिग्री भी दे दो। भूत तो निकल गया है, अब बी ब्लॉक ओपन कर ले। हमने जल्दबाजी में बी ब्लॉक खोला, इसीलिए समस्या खड़ी हो गई। अब एक अच्छा सा दिन देखकर उसे खोलेंगे। माँ, 25 बिरयानी रेडी है। क्या कहा, 25 बिरयानी खरीद के लाया है? हाँ। तुझे SMS किया था, पढ़ा नहीं क्या? SMS भेजा था ये जानता हूँ, लेकिन उसमें लिखा क्या था ये नहीं पढ़ पाया। 3 बिरयानी लेकर आ, ऐसा लिखकर भेजा। उसके बाद तेरी माँ ने कहा कि आज अमावस है इसलिए बिरयानी नहीं चाहिए, बोलकर मैंने कैंसिल किया, और तूने वो भी नहीं पढ़ा। ए, समझ गया, तुझे पढ़ना नहीं आया होगा, दुकान वाले से पढ़ाया होगा। पूजा करनी है, आइए। पूजा तो होती रहेगी, पहले अपने बेटे से पूछ क्या करके आया। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं माँ, मुझे इन्होंने SMS भेजा कि। आपने SMS क्यों भेजा, फोन कर सकते थे ना। मेरी बात सुन, फोन करने के बदले मैंने मैसेज इसलिए भेजा ताकि ये मैसेज पढ़ के समझ जाए, नॉलेज इम्प्रूव हो जाए और ब्रिटिश इंग्लिश सीख जाए, लेकिन किसी काम का नहीं। ऐसी बातें मत कीजिए, मेरे बेटे ने अच्छे नंबर से 12वीं पास की है। वाह वाह, इसका चेहरा देखने से तुझे लगता है कि इसने 12वीं पास की है? तू समझती क्यों नहीं है, इसका जो दिमाग है ना, एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिमाग है। अरे रे, मेरे बेटे को नजर लग जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, पहले यह बिरयानी ले जाके भिखारियों को डाल दे। पहले पिताजी को खिलाओ। सर, बिरयानी के साथ थोड़ी मिठाई भी दे दो ना। ये सफेद कफन में मुर्दा कहाँ से आया? तू है कौन? आपके इस बेटे को 12वीं पास कराई थी मैंने ही। आपके बेटे के लिए मेडिकल कॉलेज में सीट भी कंफर्म कर दी है। अरे वाह, मेरा बेटा डॉक्टर बन गया। हाँ, बन जाएगा। माँ, हम क्लिनिक कहाँ खोलेंगे? जो शमशान घाट है ना, वहीं पे। अरे छी, जरा शुभ शुभ बोलिए ना। ठीक है, शुभ शुभ ही बोलता हूँ। ये ऑपरेशन करके जिन्हें मारेगा उन्हें वहीं जला देना, एम्बुलेंस का खर्चा बचेगा। चुप रहो ना। सुनो भैया, जैसे ये कॉलेज में कदम रखेगा पैसे तुम्हारे घर पहुँच जाएंगे। अब जाओ, अपने घर जाओ। क्यों रही, तेरे पास में एक पुलिस ऑफिसर खड़ा है और तू रिश्वत देने की बात कर रही है? ये समाज जब ये बात जानेगा तो वो मेरा मजाक नहीं उड़ाएगा। कितने प्यार से लेके आए हैं, आप खा भी लीजिए। आज बेटा, खीर भी बनाई है, चल आ जा। इसने तो मेरे मजाक का भी मजाक बना दिया। हाय ड्यूड। क्या यार, पहली क्लास से साथ साथ पढ़े, साथ साथ बड़े हुए, और आज दोनों मेडिकल कॉलेज में आ गए है ना। खूब सारा रोकड़ा देकर अंदर आया हूँ यार। अब तो सेल्फी लेकर फेसबुक पर दिखाना बनता है यार। निकाल फोटो। एक्शन। क्या चेहरा है यार। ए, ये भी कोई चेहरा है? बारिश में भीगी लोमड़ी जैसा लग रहा है। तुझे जलन क्यों हो रही है? बॉडी देखना कितनी सॉलिड है। अबे अदरक की तरह बॉडी में कोई शेप ही नहीं है। हेलो, बारिश में भीगी हुई लोमड़ी और मैं क्या तुझे अदरक जैसी दिखती हूँ? तेरी हिम्मत कैसे हुई इस खूबसूरत को बदसूरत बोलने की? ये अपनी सुंदरता की खुद ही तारीफ किए जा रही है। अरे ए, तू मेरे बारे में नहीं जानता। तो तू मेरे बारे में जानती है क्या? दोबारा अगर बोला ना तो दांत तोड़ दूंगी। दांत तोड़ेगी? अरे जा। हमारे सेल्फी निकालने पर इस कुल्फी को गुस्सा क्यों आ गया? MBBS का फर्स्ट लेसन क्या है पता है? क्या है? सेल्फी नहीं निकालना चाहिए, चल। दिमाग में भले ही कुछ नहीं चढ़ता, लेकिन क्लास में सबसे पहले पहुंच जाता हूं। हेलो, क्लास के बीचों बीच बैठ के बालों को कौन सुखा रही है? कॉलेज आते हैं मस्ती करने के लिए। तो पढ़ाई शुरू करें। अरे बाप रे, भूत, चुड़ैल, चुड़ैल। चुड़ैल? कहाँ है चुड़ैल? तूने मुझे ही चुड़ैल कहा ना? अरे तुझे चुड़ैल नहीं कहा, उस चुड़ैल को देख के चुड़ैल कहा। अपने ये बाल 6 महीने से कल कर रही हूँ, और जरा ये आईब्रोज देख, थ्रेडिंग करा के आई हूँ। गाल गुलाबी करने के लिए रोज पाउडर लगाया है, चेहरा अच्छा दिखे उसके लिए पार्लर में जाके गोल्डन फेशियल कराया है, उसके मैचिंग की लिपस्टिक भी लगाई है, हर तरह से सुपर फिगर है। तूने मुझे चुड़ैल क्यों कहा? एब्सोल्युटली राइट, आजकल चुड़ैलों का मेकअप करने का ट्रेंड है ना। प्रोफेसर ने बचा लिया यार, चल चलो चलो। गुड मॉर्निंग मैम। चुड़ैल जैसे क्यों दिख रही हो? मैडम, उसके बारे में कुछ मत बोलिए प्लीज। कूल कूल, आज पहले दिन ही मुंह फुला के बैठोगी तो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगी, इसलिए कहा। कीप स्माइलिंग, ओके ओके मैम। सिट डाउन।
प्रोफेसर ने भी इसे चुड़ैल कह दिया। ईश्वर को देख नहीं पाते इसीलिए उन्होंने डॉक्टर की सृष्टि की और लोग डॉक्टर में ईश्वर को देखते हैं। यू आर वेरी लकी गाइस। आज तो बहुत सुंदर दिख रही है यार। मेकअप लगाने से नौकरानी भी चमक जाती है। अरे सुनो यार, क्या हुआ यार? मुझे किसी भी तरह उसे पटाना है। कॉलेज के फर्स्ट ईयर में फर्स्ट नाइट मनाने की सोच रहा है, ये सब कैसे यार? दांत है तो चबा के खाते हैं, सेल है तो सेल्फी खींचते हैं, इसमें तुझे क्या प्रॉब्लम है? अब क्या, दिन में ही फर्स्ट नाइट मनानी है ना, ठीक है चल। मुझे एक डाउट है। कैसा? वो ये है कि इंसान मरता है तो उसकी आत्मा आती है, कीड़े मकोड़े मरे तो उनकी भी आत्मा आती है। तुझे डाउट आया कैसे? चूहे की आत्मा आ जाएगी सोचकर उसे मारे बिना ही बाहर छोड़ दिया। चूहे से इतना डरती है तो मॉर्चरी में कैसे आएगी? मॉर्चरी में नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ बहुत सारी डेड बॉडीज होंगी, मुझे डर लग रहा है। तुझे डॉक्टर बनना है तो वहाँ चलना ही पड़ेगा, चल। ए, निशा इधर आना। क्या यार? मेरा डर भगाने के लिए माँ पिताजी ने बहुत कुछ किया पर कुछ नहीं हुआ। मैं क्लास में नहीं जा रही हूँ, तू मैनेज कर लेना। मेरी बात सुन, एनाटॉमी क्लास है, मिस मत करना। ओ, चाहे कोई भी क्लास हो तू मैनेज कर लेना, मैं नहीं आऊंगी। क्लास में आना। तो यहाँ बैठी है, अभी दिखाता हूँ। हाय, ये क्या, एनाटॉमी क्लास न जाकर यहाँ पर अकेली बैठी हुई हो? कॉलेज मुझे सेट नहीं हो रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। चुपचाप यहाँ से टीसी लेकर सोचती हूँ टीचर ट्रेनिंग कर लूँ। छोटी सी बात के लिए इतना बड़ा फैसला लेने की क्या जरूरत है? तुम्हारा डर भगाने के लिए मेरे पास एक सॉलिड दवाई है, बताऊं क्या? वो क्या है? अगर वो दवाई 48 दिनों तक व्रत रख कर पियोगी ना तो एक ही दिन में 100 पोस्टमार्टम कर सकती हो। लेकिन वो सॉलिड दवाई मिलेगी कहाँ? मेरे घर के पूजा रूम में। हाँ? अगर रात के 12 बजे तुम मेरे घर आओगी ना, हाँ? तो तुम्हें वहीं पर बिठा कर स्नान करा, हाँ? के मेरा मतलब नहा के वहीं बैठ कर ध्यान करोगी ना तो उसका असर और भी ज्यादा होगा, यही कह रहा था। क्या उस दवाई से डर भाग जाएगा? देखा ना, मेरे पॉइंट से तुम जॉइंट हो गई हो। सच बोल रहा है या मैं नहीं आऊंगी? देख लेना, हाँ? तुम जरूर आओगी। ए, जल्दी आ रहा हूँ मालिक। देखा मालिक, रिश्वत ले लेकर शीशम की लकड़ी का डेकोरेशन करवाया हुआ है। अरे वाह 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 वाह, कितना बड़ा बंगला है, 4 किलो सोना तो कन्फर्म होगा। उड़ा लेते हैं हम। हम लोग चोरी करने आए हैं, यहाँ हमसे पहले मुढ़क्की कौन आया है, वो भी चोरी करने आया है क्या? शंका किस बात की, उसी से पूछ लेते हैं ना। ए, रुक। अरे बाप रे, यहाँ क्यों आई है? मैं यहाँ दवाई लेने आई हूँ। ये क्या कोई मेडिकल शॉप है? तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? हम लोग सोना लेने आए हैं। तो क्या ये कोई ज्वेलरी शॉप है? ऐसे जोर से हंस के मुझे मत फंसा देना। मालिक, हाँ? ये भी हमारी तरह चोरी। हाँ, तूने सही कहा। मालिक, सांभर में देसी घी के छोके की खुशबू नाक में घुस रही है। सबसे पहले गले तक खाना ठूस लेते हैं, उसके बाद चोरी करेंगे। अर्जुन, कौन है? नित्या जैसी दिख रही है। क्या हुआ? ए, तू यहाँ क्यों आ गई? ए, तूने डर भगाने की दवा देने को कहा था ना, और तू यहाँ फोन स्विच ऑफ करके सो रहा है। दवाई देने को कहा था? अच्छा, तो तुम सच मान गई क्या? बाहर का इतना बड़ा गेट कूद के अंदर आई हूँ, तो क्या दवा नहीं है? नहीं नहीं नहीं, अरे बैठो बैठो बैठो, डाल डाल और डाल, सांभर में डूब के निकल जाओगे, उतना डाल। बस बस, खाओ खाओ, दबा के खाओ मालिक। अपनी आंखें बंद करो, मैं दवाई देता हूँ। हाथ उठाने के बाद भी गोली क्यों चला रहे? तुम दोनों दरअसल बकवास बंद कर। सुनिए, एनी प्रॉब्लम? लेग पीस में कोई डाउट है? डाउट पीस में नहीं है, बिरयानी में है। इस थाली में कपूर जला के कसम खाता हूँ कि ये बिरयानी ही है। ए, खाना खाने वाली प्लेट पे हाथ रख कर कसम खा रहा है, तू क्या बिरयानी मास्टर है? नहीं तो क्या भजिया मास्टर समझा है? ए, मेरे फैमिली के बारे में जानता है? तो क्या हेल्थ इंस्पेक्टर है? मेरे बाप हेल्थ इंस्पेक्टर है, सील करवा दूंगा। मालिक, भैया जी समस्या खड़ी मत करना, तुम्हारे पिताजी कल हफ्ता वसूल कर 10 पैकेट बिरयानी फ्री में लेके गए हैं। अब तुम यहाँ से निकल रहे हो या तुम्हारे परिवार को फेसबुक पे डाल दूँ? ए, तुम लोगों को सबक सिखाने के लिए कोई ना कोई जरूर आएगा। सर एक मिनट, मेरे साथ जो मर्जी कीजिए, बस मेरे गंजे मालिक पर हाथ मत उठाइए। ये तेरा मालिक है? ये शक्ल से तो एक नंबर का चोर लगता है। ये क्या, सब लोग देख रहे हैं? ये लोग क्या, पूरा देश तुझे देखेगा, ऐसे टीवी में दिखाऊंगा। हम लोग को टीवी में क्यों दिखा रहे हैं? आज तुमने बिल्ली के बच्चे की बिरयानी बनाई, कल इंसानों के बच्चों की बिरयानी बना सकते हो ना? दिखा देना। हाँ दिखाऊंगा।
तुम दोनों को जेल में डाला बेल लेकर मेरे ही घर में डाका डालने के लिए आ गए हैं? अरे हम तो ऐसे ही आए थे। किचन में तुम लोग क्या कर रहे थे? सांभर का टेस्ट ले रहे थे। आके देखा ऐसा सांभर मैंने जिंदगी में नहीं खाया। लगता है बहुत अच्छा खाना बनाने वाली से सेटिंग की है। नौकरानी से? मैं नौकरानी नहीं हूँ, मैं दरअसल इस घर में इनकी धर्म पत्नी हूँ। इनकी धर्म पत्नी हो क्या? यानी इनकी आप पत्नी है? सिस्टर, इन्होंने हमारी रोजी रोटी छीन ली। ये तो बस हमेशा। बहुत भूख भी लग रही थी, तुम्हारे हाथ का बना खाना खाने ही जा रहे थे कि अचानक इन्होंने हम पे गोली चलानी शुरू कर दी। सिस्टर, तुम मुझे सिस्टर कह के बुला दिया तो पता है मुझे कितना अच्छा लगता है ब्रदर। इन चोर उच्चकों को अपना ब्रदर बोल रही है, शर्म नहीं आती है? इनकी रोजी रोटी छीन लोगे तो ये बेचारे खाना कहाँ से खाएंगे? इन्हें देखकर मेरे गुजरे हुए भाई की याद आ गई। तुम चिंता मत करो ब्रदर, तुम यहीं रुक के आराम से खा सकते हो। मम्मी। हाँ? इतनी टेंशन में क्यों? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, एग्जाम में अच्छा तो लिखा ना? बहुत बढ़िया है। अबे गंजे, तू यहाँ क्या कर रहा है? मेरा ये टकलापन ही मुझसे ये करवा रहा है। तेरे इस थोबड़े से तुझे मजाक सूझ रहा है क्या? मेरा थोबड़ा ही ऐसा है। तू पहले यहाँ से बाहर निकल, चल। सिस्टर, चिकन खिलाकर मेरा अपमान करा दिया, चलता हूँ। ब्रदर रुको, प्लीज मेरी बात सुनो। सिस्टर पासा पलटेगी। चुप रह अर्जुन, तेरी एग्जाम की खुशखबरी देने के लिए ही मैंने इन्हें घर में रोका हुआ था। यू आर ऑफिसर? कन्फर्म? थैंक यू मम्मी, मेरे बारे में भी ऑफिसर से बोल के थोड़ा बहुत। अरे ये ऑफिसर नहीं है, चोर है। तो चोर बोलना चाहिए ना। इसके एग्जाम का पेपर जिस रूम में रखा है ना, उसका ताला तोड़ने के लिए ही इसे खाना खिला के रोका है। आई एम ए ताला तोड़ डॉक्टर। सारे कॉलेज तालाब में बनाए हैं। लेकिन ये कॉलेज कब्रिस्तान में बनाया है। मुझे भी MBBS पढ़ने को बोला था। अबे चुप करना। ठीक है यार। चिल्ला क्यों रहा है, पागल है क्या? खोपड़ी देखो, ये किसकी खोपड़ी है? मेरा वहम है। आज रहने दो, कल दिन में आएंगे, अभी चलो। अरे रुक, कल की बात मत करो। कंपाउंड की इतनी बड़ी दीवार लांघ कर अंदर आ गए और वो भी इतनी रात में, और अब अचानक इस तरह मना क्यों कर रहा है यार? ये क्या है यार, रात 12 बजे का मेरा गेटअप देखा है? चाहो तो मैं डेमो दिखाता हूँ। देखो मेरी कला का रहस्य देख लिया ना, कमऑन कला दिखाता हूँ। अरे उधर जा रहे, दिमाग का बटन दबाना, मैं इस तरफ जाना है, इधर है। ओ, अरे यार इसी में हमारा भविष्य है। आई नो, वेट एंड सी। भैया ये जो ताला है ऑटोमेटिक है, कोट खोलते ही चाबी खुद सिलेक्ट हो जाएगी। देखा, चाबी अपने आप सिलेक्ट हो गई। गोपाल गोपाल खुल गया ना यार। अरे ये क्या, मैं क्या कोई जादू दिखा रहा हूँ? जिस काम को आए उसे छोड़कर ताली बजा रहे हो? फॉलो मी। ओए, इसी कमरे में पेपर रखे हुए हैं। एक ही झटके में खुल गया। बहुत बढ़िया। क्यों भैया, देखने के लिए किताब तो लेकर आए हो ना? किताब? क्योंकि मेरे पास नहीं है। है ना, लेके आया हूँ। ठीक है, चल रहे। तुझे लिखने में 3 घंटे लग जाएंगे, हम लोग 1.5 घंटे में सब लिख देंगे। तू जा। ठीक है यार, जल्दी करना। ये एकदम सुरक्षित जगह है। बाप रे, यहाँ हम दोनों ही तो है, फिर ये इतना बड़ा गिलास क्यों रखा है? इतने बड़े गिलास की जरूरत क्या है, दारू कम पड़ जाएगी। मैंने तो नहीं रखा। क्यों यार, ढक्कन खोलने से पहले ही बड़बड़ा रहा है। बात सुन, शरीर का जो खून है वो पानी नहीं बनना चाहिए, छठ से ऊपर चला जाएगा, समझ गया? चमेली की खुशबू आ रही है। नशा ये प्यार का नशा है। क्या सुरताल है सच में। ये दारू कहाँ गई, अभी तो डाली, कौन पी गया? कहीं तूने तो नहीं पी ली यार? नहीं मैंने नहीं। पढ़ाई करने की उम्र में पीना ही गलत है, ऊपर से घटाघट पी जाना बिल्कुल गलत बात है। मैंने नहीं पी। भिड़ो, लगता है। छोड़ दे। तुम पहचानो। अरे बाप रे, मिल गया। इस आधी रात में ये कमरे में क्या कर रहा है? इस कमरे में आने की परमिशन हमें भी नहीं है, तो तू कैसे आ गया? दरअसल मेरी आंसर शीट बदल कर किसी ने मुझे फेल करने के लिए बहुत बड़ी प्लानिंग की है मैडम। देखिए ना मैडम, सारे पेपर्स ब्लैंक हैं। किसने बदले हैं? वो वही जानने के लिए। पहले तुम यहाँ से बाहर निकल।
ये नाटक कर रहा है मैडम। मैडम वो देखो यही चोर है, इसे रंगे हाथ हमने पकड़ लिया मैडम। चल तुझे बिरयानी खिलाऊंगा। चोर 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 आइए मैडम, चोर चोर यही है मैडम। चुराए हुए पेपर्स कहाँ हैं? मैं बेसिकली बहुत अच्छी फैमिली से हूँ मैडम। देखिए मैडम ये देखो के चाबियां रखी है इसने, जरा पूछिए इसे ये सब कहाँ से आ गई, पूछिए ना। ये तो बहुत ज्यादा ओवर एक्टिंग कर रहा है। ए, ये रोना धोना बंद कर। मैडम मैंने जिंदगी में चोरी छुपे फिल्में देखी हैं, लेकिन एक चोरी भी मैंने नहीं की मैडम। उसके बारे में तू मुझसे बोल रहा है? कल प्रोफेसर के सामने तुम्हारा इंटरव्यू होगा, अगर सारे सवालों के जवाब सही दिए तो ही तू इस कॉलेज में कंटिन्यू कर सकता है, अदरवाइज मैनेजमेंट सीवियर एक्शन लेगा। वॉचमैन यस मैम, ये दोनों यहीं पर रहेंगे। ओके मैम। और इसे पुलिस में हैंड ओवर कर दो। पुलिस में? हेलो एक्सक्यूज मी मैडम, इतने गुस्से में भी इतनी सुंदरता, बिल्कुल गुलाब की तरह खिली खिली दिख रही हो। आई लाइक इट, कम ऑन। भैया क्या है यार, तुझे पैसे दे दिए ना, मेरी नौकरी का ध्यान रखना। सुना तुम्हें शुगर है क्या? नहीं है। हो तो भी कोई बात नहीं, चबा के खा लो। ठीक है जल्दी निकल जाना। ये दारू मारने गया था या उसमें डुबकी मारने गया था? ए, दारू चढ़ने से पहले ही चुड़ैल चढ़ गई। अबे तेरी वजह से मैं फंस गया, मैं अब डॉक्टर कभी नहीं बन पाऊंगा, कभी नहीं। अरे फोन बज रहा है, फोन की आवाज आ गया। अच्छा फोन है। ठीक है ठीक है बात कर ले, कोई बात नहीं यार। हेलो हाँ बोलो माँ। तेरी सांसें इतनी भारी क्यों है? ज्यादा से ज्यादा फिर तुझे नींद नहीं आएगी और एग्जाम में लिखने के लिए एनर्जी मिलेगी। गले तक पी गया हूँ। गर्म पानी पिया है ना? कहीं पर बैठकर बियर पी रहे होंगे। तेरे पिताजी अभी भी जाग रहे हैं। अच्छा तूने एग्जाम दे दिया ना? नहीं मैं बुरी तरह फंस गया हूँ माँ। ये क्या बोल रहा है, कहाँ फंस गया? कल कोई स्पेशल इंक्वायरी रखी है माँ। अचानक से ये इंक्वायरी क्यों? कभी कभी कोई दिन में एग्जाम नहीं लिख पाता है इसलिए रात को देख के लिख रहा है, इसमें गलत क्या है? ये तुम समझती हो माँ। ठीक है कल सीधी मैं वहीं पहुँचती हूँ, तू किसी बात की चिंता मत कर। ठीक है। अरे माँ क्या हुआ रे? कुछ पता होगा तो ही बताएगा ना, इससे तो कुछ आता ही नहीं है। तुम चाहे कितना भी पैसा खर्च कर लो माँ, ये कभी कामयाब नहीं हो पाएगा, ये बहुत जल्द जेल में जाएगा। ए, तुम दोनों इस वक्त कहाँ हो? सारे डुप्लीकेट डॉक्टर यहीं पर बनते हैं। लेकिन फ्रेंडशिप डेवलप होती है यार। इतनी ज्यादा दारू चढ़ा कर माँ से बोलता है मैं जेल जाऊंगा, अब मैं तेरा खून करके सच में जेल चला जाऊंगा। यानी तू जेल जाएगा, तो मैंने सही कहा ना? संभाल के। मर जाएगी, चली जा। तो है कौन? सिक्योरिटी को बुलाओ, सिक्योरिटी। मैंने कहा था ना मर जाएगी। आंटी प्रोफेसर आ गए, उनसे बात कर ले। गुड मॉर्निंग मैडम, ये इंक्वायरी आप करने वाली है ना, उससे सवाल पूछने से पहले इसे थोड़ा थोड़ा करके पिला देना, सही से मिक्स करके लाई हूँ। एक्सक्यूज मी, अपने बेटे को ये क्यों पिलाना चाहती हो? शर्म नहीं आती क्या तुम्हें?
यह क्या कह रही है? वो मेरा बेटा है। ये करेले का जूस है, वो नहीं पीता, इसलिए कोल्ड ड्रिंक में मिक्स करके लाई हूँ। आप ये भी नहीं जानती और यहाँ बच्चों को सिखाने आई हैं? मुझे यकीन नहीं हो रहा है। आपके जेवर और कपड़े देखकर लगता है किसी की शादी में आए हो। आधार कार्ड, रेशन कार्ड दिखाओ, मैं देखना चाहती हूँ। वी आर हाईली एजुकेटेड प्रोफेसर्स हियर, तो उसका कोई सबूत दिखाओ ना, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। बोलो इन्हें। सिक्योरिटी मैडम, ये कौन है? जो लड़का पकड़ा गया उसकी माँ है। हम तुम्हें शादी में आई हुई औरतें नजर आती है ना? अंदर तुम्हारा बेटा है ना, मैं उसके हाथ में स्वीट्स देकर भेजूंगी। शादी का चढ़ावा देकर घर ले जाना, तब तक ये जूस पीकर यहीं उसका वेट करना। अरे बाप रे, कहीं मैं ज्यादा तो नहीं बोल गई? कुछ ज्यादा ही बोल गई है। गुड मॉर्निंग सर। क्या हुआ, ऐसे ही बैठे हुए हो? रेस्पेक्ट नहीं जानते? तमीज नाम की चीज है ही नहीं। तो तुम्हारे ऊपर जो कंप्लेंट है वो तुम जानते हो? एग्जाम में एग्जाम लिखे बिना व्हाइट शीट जमा कर दी और रात में चोरी छिपे आकर उसे फिल कर दिया। चीटिंग करने के लिए क्या ये नई टेक्निक है? यू थिंक वी आर फूल्स? सर ऐसी बात नहीं है सर। शट अप। अर्जुन, MBBS का फुल फॉर्म क्या है? नहीं जानता, बोल के माफी मांग ले। इससे हम इतनी देर से बात कर रहे हैं, किसी भी बात का जवाब नहीं दे रहा है। मुझे तो साफ साफ लगता है कि इसी ने ही पेपर बदल कर रखा होगा। लेट मी आस्क यू अ सिंपल क्वेश्चन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी? गुड मॉर्निंग सर। आओ भास्कर, इंक्वायरी पूरी हो जाने दो, बैठो। थैंक यू। जानते हो या नहीं? कोई शक नहीं, यही है। एक्सक्यूज मी सर, आप फिजियोलॉजी प्रोफेसर हैं, वो बायोकेमिस्ट्री प्रोफेसर हैं, ये पैथोलॉजी प्रोफेसर हैं, ये ह्यूमन एनाटॉमी प्रोफेसर हैं। लेकिन ये यहाँ पर क्यों है? मैडम, डीन ने इस डॉक्टर को भेजा है मुझसे मिलने के लिए। इंक्वायरी के बीच में क्यों? प्लीज सर। सॉरी मैडम, सॉरी डॉक्टर। तुम मेरे कैबिन में वेट करो। सर आई विल कैच यू लेटर। ओके। ए, तू इनके सवालों के जवाब कैसे देगा यार? अब तो बताएगा ना? बता। ये कहां से बता पाएगा? The broad goal of the teaching of undergraduate students in anatomy aim at providing comprehensive knowledge of the cross and the microscopic sex in the development of the human body to provide a basis of understanding the correlation of organs and structures involved in the anatomical basis for the disease presentation so that we could formulate the correct treatment plan to treat the patients. However, it is also important to use various models to study the disease pattern. It should help us to understand the basis and also find out the way means to treat the diseases involved. तो रात भर तूने पढ़ाई की है और मैंने दारू पी? एक ब्रिलियंट स्टूडेंट को आप गलत समझ बैठे सर। आंटी, आपके बेटे ने फटाफट सारे के सारे जवाब दे दिए। मेरे बेटे ने ये जूस पिए बगैर उसने सारे जवाब कैसे दिए होंगे? इस अकलमंद का बेटा तो अकलमंद ही होगा ना? क्यों, सही कहा ना? हे भगवान। इससे मैं जो अगला सवाल पूछने वाला हूँ ना, वो सुनकर इसका सर चारों तरफ घूमेगा। मेरी कमर में हाथ किसने लगाया? नो, मैंने नहीं। मैंने मैडम, मैंने ऐसा क्यों किया मुझे खुद ही नहीं पता मैडम। प्रोफेसर, थोड़ी तो शर्म करो, आइंदा से ऐसी भूल मत करना। सॉरी मैडम। लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चंस। व्हाट काइंड ऑफ You are a very brilliant student. सिर्फ यही तुम्हें याद रहना चाहिए। मुझे तो कुछ भी याद नहीं है भाई। अच्छा, उसने तो ब्रिलियंटली जवाब दिया, फिर हम नीचे क्यों बैठे हुए हैं? हे रुक, तेरी मुझसे क्या दुश्मनी है? मुझे बाहर क्यों भेजा? आधा स्वामी, तुम लोग कहाँ हो? स्वामी मुझे बुलाया। स्वामी, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। अरे ओ माधव, स्वामी तो जिस समय की प्रतीक्षा में था वो समय आ गया। हमारे लिए आपने कितनी तकलीफें उठाई, किसी को भी नहीं छोड़ना है, सबको मार डालेंगे। आ जा, आ जा।
आज तुम सबका मरने का दिन है। हाँ, मरने का। ए, कौन है तू? स्टूडेंट है या कोई मंत्रवादी? ए, पूछ रहे हैं ना? अबे कौन है? इधर दे। हाँ बोल भास्कर। भूत वापस आ गया डॉक्टर। क्या कह रहा है डॉक्टर? उसने सबको मार दिया, मैं बच के आ गया। मुझे कुछ मत करना। ए, 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 भास्कर क्या हो रहा है वहाँ? नहीं बताऊंगी। नहीं निकलेगी। माते, हमें ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी जहाँ इसे ले जाके दिखाया ना हो। कुछ भी करके मेरी बच्ची का भूत उतार के उसे अच्छा कर दीजिए। हमारी बच्ची को बचा लो। बता, कौन है तू? जल्दी बता। ब्रह्मेश्वरी बोल रही है, इस शरीर को छोड़कर निकल जा। नहीं बताऊंगी। विभूति दे। ये लो माते। मैं मगन लाल हूँ। ये मेरा आदेश है, इसके शरीर से निकल जा। निकल ब्रह्मेश्वरी। आओ अर्की, शमशान घाट पे कॉलेज बनाया, अब कॉलेज शमशान घाट बन गया ना। तुमसे पूछे भी नहीं मैंने बी ब्लॉक खुलवा दिया। चार लोग मारे गए हैं, तुमको फोन लगाया तुम मिली ही नहीं। तुम्हारे चेले ने कहा कि भूत को पकड़ लिया है। पकड़ के गाड़ तो दिया था, पर वो कैसे बाहर आ गया पता नहीं। अब मैं क्या करूं? इस आत्मा को ले जाके जमीन में गाड़ दो। चल जल्दी चल। तुझे कुछ नहीं हुआ है तो जा सकती है। किसी दुष्ट आत्मा को अगर मैं अपने वश में कर लूं तो वो 7 जन्मों तक बाहर नहीं आ पाएगी। मेरे वश में आने वाली मामूली आत्मा नहीं हूँ, प्रेत आत्मा हूँ। वो तेरी वहाँ कैसे पहुँची मैं जानती हूँ, वश में करके रहूंगी। हिम्मत है तो वश में करके दिखा। ये कॉफी किसके लिए? मेरे लिए है। तुझे अगर कॉफी बना के दूंगा ना तो तेरा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। ये अपने बेटे के लिए है। अरे वाह, क्या बात है। पहले तो उसे नालायक बोलते थे, आज अचानक इतना प्यार कहाँ से जाग गया? क्या करूँ, अभी तक तो ऐसे ही सोच रहा था, लेकिन वो इतना ब्रिलियंट है ये बात आज समझ में आई। और इसीलिए फिल्टर कॉफी बना के बच्चे को पिला के उससे कॉम्प्रोमाइज कर लूंगा। पढ़ाई में कितना बुद्धिमान है, एक छोटे बच्चे की तरह आराम से बैठा हुआ है। बेटे मुझे सब पता चल गया, कल कॉलेज में जो सवाल पूछे और जो नहीं पूछे उन सब का तूने जवाब दिया। प्रोफेसर्स और एचओडी तेरे जवाब सुनकर भौचक्के रह गए। तुझे आज तक मैंने बहुत डांटा, इस बात का तेरे पिताजी को बहुत अफसोस है। जा यहां से। इतने गुस्से में क्यों बोल रहा है? अबे जाना। तेरा गुस्सा तो खतरनाक लग रहा है, तू पहले कॉफी पी ले, बाद में मैं चला जाऊंगा। मैंने पी ली है कॉफी। पी ली? ये क्या हो रहा है? कॉफी का कप तो यहाँ है, पीने वाला मुंह वहां है। मुंह में वाईफाई लगाया क्या? ये कैसे हो सकता है? पता नहीं क्या आविष्कार करने वाला है, शायद पीते हुए मैंने नहीं देखा। थैंक गॉड, इसी तरह सारी नदियों को एक कर दे तो हमारे देश के लिए कितना बढ़िया रहेगा। डॉक्टर साहब, हमें बहुत दर्द हो रहा है। डॉक्टर साहब बचा लो। डॉक्टर साहब बचा लो। डॉक्टर साहब। ब्रह्मेश्वरी लगता है कोई मुझे बुला रहा है, मैं जरा देख कर आऊं। मुड़ के मत देखना,
यहाँ पर अच्छी और बुरी आत्माएं मिक्स हो रखी हैं। वो आवाज बदल के तुम्हें बुला रही है। उड़ के देखा तो मर जाओगे। परमेश्वरी, समझ गई, मेरी मंत्र शक्ति से इसका शरीर मिट्टी में दफन हो गया होगा सोचा था मैंने, लेकिन ये प्रेतात्मा दफन हुए बिना बाहर आ गई है। इसका खून अभी भी गर्म है, देख लिया? Yes. भारत हमारी पत्नी है, ये क्यों सांसें भर रहा है? उंगली क्यों दिखा रहा है? निकल गया क्या? इशारा क्या कर रहा है? ये हमारी बैंड बजाए इससे पहले पतली गली पकड़ लेते हैं वाले। काट डालूंगा। जाने दो, हम लोग नहा धो के आते हैं, बाद में काट लेना। चलो। इसकी आत्मा किसके शरीर में घुसी है हमें पता लगाना होगा। तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो, मारे जाओगे। पकड़ के ही रहूंगी। मैं भी कई दिनों से देख रहा हूँ, तू कुछ बदला सा लग रहा है, तेरी प्रॉब्लम क्या है यार? ओम काली दुर्गा काली चामुंडेश्वरी, ओम काली मंत्र काली, ओमकार काली, ओमकार काली, आजा। अरे बाप रे, ये मंत्र वाला नींबू, वो आत्मा यहाँ किसके शरीर में घुसी है हमें बता देगा। वो फोन करती है तो उसका फोन नहीं उठाता है, वो सवाल पे सवाल मुझसे पूछे जाती है, क्या जवाब दूं मैं उसे? तेरे बीच जो भी आए उछाल देना। जाना। मैं जाता हूँ, पर तू बताना। अर्जुन, अर्जुन, उसे बताया? तू ही बता दे। मेरे ऊपर गुस्सा है? कोई लड़का लड़की आपस में प्यार करे तो क्या यह गलत है? यह लड़कों के पीछे पढ़कर आई लव यू बोलना तुम लड़कों को अच्छा लगता है हा? अर्जुन, अगर बेकार में मेरे बीच टांग अड़ाई तो मर जाएगी। अर्जुन, अर्जुन, मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे। चली जा। अर्जुन, अर्जुन, आज अचानक ये सूटकेस लेकर कॉलेज क्यों जा रहा है? कॉलेज में कल्चरल है, एग्जाम है, इसलिए हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करूंगा। अरे बाप रे, सुनिए जी, यहाँ आइए। क्या है? ये हॉस्टल में जाके पढ़ाई करेगा कह रहा है। तो जाने दे, उसकी पढ़ाई ऑडी कार से भी तेज चल रही है, तू बीच में स्पीड ब्रेकर क्यों डाल रही है? तुझे पता है इसने कॉलेज में प्रोफेसर के होश उड़ गए वैसे जवाब दिए, कल पूरे देश के होश उड़ा देगा ऐसा आविष्कार करने वाला। ठीक है, घर में रहकर भी तो कर सकता है ना, हमारे इकलौती औलाद है। इकलौता इकलौता बोल के उसे अपने आंचल से मत बांध, उसे चाहिए प्राइवेसी, तभी मेडिटेशन के साथ अपने गोल को ये अचीव कर पाएगा। तो घर में रहकर भी कर सकता है ना? तेरी समझ में कुछ नहीं आएगा, ये जो भी करेगा सही करेगा। आप जाइए श्रीमान, व्हाट अ स्टाइली वॉक। देखिए जी, ये माथे पे बिंदी लगा के पाँव में पायल पहन के मेरी चप्पल पहन के जा रहा है। कॉलेज में कल्चरल कॉम्पिटिशन है कहा था ना, लगता है उसमें डांस करेगा। रिहर्सल यहीं से शुरू कर दिया है, अब समझ में आया? गुड मॉर्निंग भैया। कैसा है? आपका कॉस्ट्यूम बहुत बढ़िया है, लेकिन जब आप आ रहे थे तो छन छन की आवाज आ रही थी, वो भी बहुत बढ़िया थी। छन छन। तुम खाना खाओ, खूब जम के खाना। ये भूत होते हुए भी
हमें कितना चाहते हैं ना मालिक, चलो खाना खाते हैं। अबे चिरकुट, आके हमारी बैंड बजाएगा, इसीलिए जमकर खाने के लिए बोला है, क्या समझा? कौन हो तुम लोग, आदिवासी जैसे दिख रहे हो? आदिवासी नहीं, ब्रह्मवासी हैं। तेरी आत्मा को अभी भी शांति नहीं मिली? अबे किस शांति की बात कर रहा है तू? कोई भी झूठ बोल सकता है, लेकिन ये मंत्र शक्ति वाला नींबू झूठ नहीं बोलता है रे। रुक जाओ, मैं भी तो यही बोल रहा हूँ जोगन दीदी। मेरे चंगुल से कोई भी आत्मा बच के नहीं जा सकती। नहीं, इसे नीचे उतार दो। यही तो मैं कब से बोल रहा था, मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ इसलिए खर्चा बच जाएगा। अगर कोई और होता तो बेचारे का बहुत खर्चा होता इलाज पर। अच्छा लग रहा है। इधर आओ, आ जाओ। एक लड़की को मेकअप लगाते हुए देख रहे हो, शर्म नहीं आती? तो तेरे अंदर आत्मा है, यानी वो मैं हूँ, तू जान गया ना? हाँ, आ जा। काहे के लिए? चार और चार आठ, कर देंगे उल्टी खाट। आज लगा ली माथे पर बिंदी, तुम्हारी भी लगा दूं बिंदी। मुझे मारने के लिए आए हो ना? नहीं, नहीं। अभी लगाती हूँ बिंदी। बाकी है क्या? है क्या कोई? आ जाओ। जय काली, मंत्र काली, जय चामुंडी, ओंकार काली, चामुंडेश्वरी, मंत्र काली। ये पूजा खत्म होने तक किसी को अंदर आने मत देना। ओके सर। काली, जय चंडी, जय चामुंडेश्वरी। ये क्या अचानक चारों के चारों यहाँ कर खड़े हो गए? जिसके अंदर वो आत्मा हो उसे फॉलो करने के लिए ब्रह्मेश्वरी ने कहा था, उसका पता लगा के मार दिया। अरे वाह, अब जाकर माइंड फ्री हुआ है। सुपर यार, सुपर। ये लो, ये तुम पहन लो। ये क्या रे, ये नीचे क्यों गिर गया? ए दुष्ट शक्ति, रुक जा। तेरे आदमियों को उस आत्मा ने मार के उन्हें वापस तेरे ही खिलाफ भेजा, तो समझ ले वो आत्मा कितनी भयंकर और चालाक होगी। ये तो मेरे से भी मोटी किताब पढ़ रहा है। ए, अरे थर्ड ईयर की किताब पढ़ रहा है तू? हाँ क्यों? क्या हाँ कह रहा है? मंत्र काली, ओंकार काली, चामुंडेश्वरी, मंत्र काली। तुझे कोई भूत वूत तो नहीं चिपट गया? मंत्र काली, ओंकार काली, चामुंडेश्वरी, मंत्र रुकने नहीं चाहिए। तूने
तूने मुझे चोट पहुंचाई, तेरा अर्ध जला शरीर जला के राख कर दूंगी। मंत्र काली ओंकार काली चामुंडेश्वरी मंत्र काली मंत्र काली मंत्र काली जय चामुंडेश्वरी। चामुंडेश्वरी अर्जुन, क्या हो रहा है तुझे? क्या हो रहा है? जय काली अर्जुन, जय चामुंडेश्वरी। कई सालों से पड़ा इसका अर्ध जला शरीर जल के खाक हो गया, लेकिन इसकी आत्मा तेरे कॉलेज में किसी के शरीर में होनी चाहिए। कॉलेज के चारों ओर मैंने अपनी मंत्र शक्ति का जाल बिछा दिया है, अब वो आत्मा बच के नहीं जा पाएगी। ये खाऊं वो खाऊं समझ में नहीं आ रहा क्या क्या खाऊं। ब्रदर चिकन जरा उधर सरकाना। सिस्टर लगता है जैसे कुछ मिसिंग है भाई। कमिंग अच्छा आ रहा है। सांभर की खुशबू तो कमाल की है। ये सब मैंने ही बनाया है, रुको कलेजी लेकर आती हूं। मालिक क्या हुआ? ये सब कुछ देखकर आपको क्या लग रहा है? Hey, तेरी माइंड वॉइस का जवाब देने का टाइम नहीं मेरे पास, जो बोला साफ साफ बोल। जब गांव में कोई मर जाता है तो आत्मा शांति के लिए भोज कराते हैं, वैसा ही कुछ दिख रहा है ना। अबे ढक्कन बंद कर, लगता है बहुत भूखा है। कांटा गले में फंस गया क्या? वहाँ क्या है? वो भूत आ गया, चुपके से भाग ले। मालिक अरे क्या हुआ, ऐसे भाग क्यों रहे हैं? ओहो पेट में अचानक ज्वालामुखी फट गया। ये दोनों का ज्वालामुखी एक साथ क्यों फट रहा है? हाँ लगता है ये मेरे बनाए खाने का कमाल है। हम अभी आते हैं। अरे क्या हुआ बेटा, दो ही दिन में वापस आ गए? मुझे देखे बिना नहीं रह पाए ना? कॉलेज में दंगा हो गया है, डीन को मार दिया है। अरे रे ये क्या, कॉलेज में दंगा हो गया और किसी ने डीन को मार दिया? वो डीन दंगे में नहीं मरा होगा, इसी ने उसे मारा होगा। सच में? हाँ, उसने कोई सवाल पूछा होगा और इसने उसका सर फोड़ दिया होगा। ओह हे, वो बहुत अच्छे मूड में ऊपर चला गया, उसके वापस आने से पहले कुछ पेट पूजा कर लेते हैं, लेकिन उस भूत पर नजर रखना। मालिक वो पलक झपकते ही यहाँ सब कुछ साफ करके चला गया। माँ जी। हाँ? डीन मर गया, कॉलेज की छुट्टी, ऐसा कुछ कहा क्या? हाँ, वो मरा नहीं है बल्कि हट्टा कट्टा है। ये डीन मर गया ऐसा झूठ बोलकर यहाँ घर पे चला आया। मुझे लगता है इसके दिमाग में कुछ उल्टा सीधा चल रहा है। पता है एक लड़की की तरह बर्ताव करता है, शायद तुम्हें पता नहीं, बिंदी लगाता है, नेल पॉलिश लगाता है, हिल हिल के इतरा के बात करता है। इसके बैग में ये साड़ी किस लिए? ये तो मेरी साड़ी है, उल्लू है तू उल्लू। अरे मेरी याद में साथ ले गया होगा हॉस्टल में, इससे कौन सा पहाड़ टूट गया जो लेकर आ गया। चल हट, क्या हट जा, आके खाना। माँ जी उसका सारा बर्ताव लड़कियों जैसा होता जा रहा है और तुमको कुछ पड़ी नहीं है। क्यों री ये बदबू कहाँ से आ रही है? ये बदबू नहीं है री, इस टकले की खुशबू है। मेरा पेटीकोट दे। मैं पेटीकोट नहीं हूँ, भवरा हूँ री। अरे अंदर का पेटीकोट। टाइटैनिक जहाज की तरह क्या टाइट चाल चल रही है, तू रोज है तो मैं हूँ जैक। तू यहाँ किस लिए आया है? बुलबुल पकड़ने के लिए। पकड़ लिया? उससे पहले तुमने मुझे पकड़ लिया। तो सुधरेगा नहीं क्या? सुधर के क्या, मैं कविताएं लिखूं? आई लव यू। तेरी तो क्या, हाथ में प्रेम रेखाएं हैं, ऐसे में लव करने में कुछ भी गलत नहीं। तेरे दिमाग में कभी कोई बात घुसती नहीं है क्या? आज से तुम्हारे सर की कसम चोरी नहीं करूंगा, चलता हूँ प्रोफेसर। छोटे डार्लिंग, चोरी नहीं करूंगा ऐसा बोलकर भी चुरा के ले जा रहा है। जाओ ना डार्लिंग, दिल चुरा के जा रहा हूँ यही डायलॉग मारोगी ना? ये टकला एक डायलॉग बोलेगा तो सुनोगी? तुम 16 की, मैं 18 का, डाल दूं क्या? व्हाट? ये अंगूठी, सच में दिल चुराया। आई लव यू।
तू ही है मेरी कली, मैं हूँ तेरा बाहुबली। आ जा रे समा जा दिल में, आ जा ना आ जा रे। क्यों अरे क्यों उठाया? भूत हमारे इस कमरे में गाना गाते हुए घूम रहे हैं। वो भूत नहीं था, मैं गा रहा था। आ जा रे मेरे दिल में। अभी मैं नहीं गा रहा हूँ, चुड़ैल गा रही है। मेरे दिल में समा जा, तू आ जा मेरे समा जा। रानी अपनी लाल चोंच से मोहना नाम की स्त्री की एक अच्छी सी पत्री निकाल। तुम क्यों तोते को रानी रानी बोल के बुला रहे हो? तुम्हारी प्रॉब्लम के बीच ये प्रश्न जरूरी है क्या? मुझे क्या प्रॉब्लम है, तू खुद ही आया। मैंने सोचा जब आ ही गया है तो चलो भविष्य देख लेते हैं। माई गलत मत समझो, माई तोते का नाम रानी रखा है। अच्छा ये बात है, ठीक है आ जा। इसे पत्र निकालने में डाउट क्यों है? रिचार्ज किया था, अब टॉप ऑफ मांग रही है, एक 50 रुपया रख दो। 50 रुपया लेने के लिए इसे इतना सिखा रखा है? ठीक है मुंडी उधर घुमा। पेट का सवाल है। ले ये रहा पैसा, उठा ले। अब देखो रानी। आजा रानी आजा। रानी मेरे बच्चे के लिए एक बढ़िया सी पत्री निकालना। निकाल रानी। मेरा बेटा MBBS पढ़ के एक बड़ा सा डॉक्टर बनेगा, ऐसा भविष्य लिखा है ना इसमें। सरस्वती के बदले इसमें प्रेत आत्मा का फोटो निकला है। ये तोता इतना फड़फड़ा क्यों रहा है? रानी तू डर क्यों रही है? वो तुम्हारा बेटा जा रहा है। मेरी रानी डर रही है? तूने ही उसे डरा के रखा हुआ है। तू आंखें घुमा के क्या देख रहा है सब? रात में चोरी करने का इरादा तो नहीं है ना? मेरे पति एक बहुत बड़े पुलिस ऑफिसर है, तुझे शूट कर देंगे। मैं क्या तुम्हें चोर दिखता हूँ? भविष्य देखने के लिए आया हूँ। किसी से न डरने वाली रानी तुम्हारे बेटे को देख कर डर रही है? इस घर में कुछ गड़बड़ है। रानी माई यहाँ से निकल जाओ, घर में प्रेत आत्मा है। रानी रानी इस घर में प्रेत आत्मा है। ये ले तेरी चटाई, तोते को रानी बोल करके उसको उड़ा ले गया और बोलता है घर में प्रेत आत्मा है। पुलिस स्टेशन के अंदर ही भूख हड़ताल पे बैठा हुआ है। मैंने बहुत समझाया पर मानता ही नहीं है। ओवर। उसकी मांग क्या है पूछ। ओवर। उसकी रानी गायब हो गई इसलिए भूख हड़ताल पर है। ओवर। उसकी रानी का किसी के साथ प्यार व्यार का चक्कर रहा होगा इसलिए घर से भाग गई है। ऐसी कंप्लेंट लिखकर उसके पिछवाड़े पर इतने डंडे बरसाना कि वो सूझ के डबल हो जाए। मुझे पीटोगे? रेगिस्तान में ट्रांसफर करा दूंगा। ओवर। आपको नहीं रानी नाम इसने तोते का रखा हुआ है और वो तोता कोई साधारण तोता नहीं है। ओवर। What a fantastic parrot. Next what? Over. प्रधानमंत्री की विदेश जाने की तारीख और ओबामा की हमारे इंडिया आने की तारीख वो तोता पहले से ही जानता था। Over. लगता है पॉलिटिक्स जानने वाला मल्टी टैलेंटेड तोता है। मुझे क्लू मिल गया, उस तोते ने आखिरी बार भविष्य किसका बताया? किसी बहुत मुंह फट औरत के यहाँ पर उस तोते ने भविष्य बताया। ओवर। तब तो कोई शक नहीं, उस तोते को भगाने में उस औरत के पति का हाथ होगा। उसी ने उस तोते का टैलेंट जानकर उसे अगवा किया होगा। उसका पति कहाँ है अगर ढूंढ लिया तो उस तोते का भी पता चल जाएगा। ओवर। अगर ये बात है तो आप ही अपराधी हैं, आपको ही अरेस्ट करना होगा। ओवर। क्या मुझे अरेस्ट करना होगा? और नहीं तो क्या? क्या और नहीं तो क्या, मैं खुद अपराधियों को पकड़ता हूँ, ऐसे में भला मैं कैसे अपराधी बन सकता हूँ? आप पहले मेरी बात तो सुनिए। आपके काम पर जाने के बाद अचानक एक ज्योतिषी आके टपक गया और हमारे बेटे को देखते ही फड़फड़ाता हुआ उसका तोता उड़ के भाग गया और ऊपर से वो ज्योतिष बोल रहा था कि इस घर में कुछ गड़बड़ है, प्रेत आत्मा है, सब बोल रहा था। तो सारी लेकर आ। सादा पानी लाओ या आइस वाटर? हॉट वाटर। ठीक है फ्रिज में से लेकर आती हूं। फ्रिज से हॉट वाटर? लगता है सठी हो गए हैं, हॉट वाटर कोई फ्रिज में से लाता है क्या? बिना देखे भूत कैसे दिखेगा? एक पुलिस वाले की बीवी इतनी डरपोक। भूत पुलिस पुलिस नहीं जाती है। चिल्ला तो मत। राम 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 राम। मुझे डरा के इतनी दूर खड़ी है तू? आजा इधर, मुंडी इधर करना है। बाजार जाकर मैंने इतने सारे फल खरीद कर ला कर दिए और उन्हें फ्रिज में रखा। मेरे लिए तो कभी जूस नहीं बनाया, भूत के लिए बनाती है। भूत देखकर ये तो पूरी की पूरी मूरत बन गई। चुप मंत्र काली, भाग जा। भूत से डराती है, आगे बेडशीट बदल दे जरा। अरे बाप रे, बहुत पता नहीं कहाँ से आ गया। सरिता कौन है आप? बाला। अरे सुनिए जी,
तू ऐसे क्यों देख रही है? भूत भूत सब तेरा वहम है, तू चुपचाप आंखें बंद करके सो जा। समझ में आया कि नहीं? ठीक है जी, सो जाती हूँ। ये आवाज कहाँ से आ रही है? कौन रो रहा है? जो कोई भी है मेरे सामने आए, ऐसे छुप छुप कर रोना थोड़ा बंद कर दो। सुनिए जी, उठिए ना। ये हार पिंजर कैसे बन गया है? दो रखा, मुझे छूना नहीं। मुझे देख के डर गई है? डर के मारे जैसे ही मैंने आपकी चादर हटाई तो देखा ये आप हार पिंजर बने हुए थे। क्या तूने मुझे हार पिंजर की तरह देखा? तुम्हारी आंखें अंदर धंसी हुई थी। तू क्या खींच के? मेरी बात सुन, बिना किसी कारण के तुझे डाइवोर्स दे दूंगा। लाइट ऑफ कर। ठीक है, आप सो जाइए। ऐसे मत देख, कल से हमें सेपरेट सेपरेट रूम में सोना होगा। अरे बाप रे, क्यों बे ज्योतिष, एक जंगली तोते को लाकर अपने पिंजरे में बंद करके मेरे घर आकर मेरी बीवी को बताया कि घर में प्रेत आता है? तू चुपचाप मेरे घर जाकर मेरी बीवी से बोल कि तूने झूठ बोला है। सर, सुनामी से भी ना डरने वाला तोता आपके बेटे को देख के डर गया, इसका क्या मतलब? क्या मतलब? आपके घर में आत्मा है, आत्मा है, आत्मा है। तू ऐसे 3 बार बोलेगा तो क्या मैं मान लूंगा? तुझे और तोते को कैसे पता कि प्रेत आत्मा है? अगर आपको विश्वास नहीं तो रात के 12 बजे रंगोली बना के ज्योति जला के घर के बीचों बीच उसे रख कर देखना। अगर रंगोली बिखर जाए और ज्योति भी बुझ जाए तो समझ लेना घर में आत्मा है, नहीं तो मेरे ऊपर कोई भी एक्शन ले लेना। जेल में सड़ाऊंगा। अपना थोबड़ा इतने पास क्यों लेकर आया? तेरा थोबड़ा देखकर मैं डर गई ना। डर के मारे। सुनिए जी, ये फल कितना खूबसूरत है ना, ये फल देखकर भूत कैसे डरेगा? भूत ये खाएगा तो उसे 10 लग जाएंगे। इस घर में कोई भूत वूत नहीं है, अभी साबित करता हूँ। ए सुक, मैं कुक हूँ। ठीक है, ये ले जाके घर के बीचों बीच। अगर इसकी तुम सब्जी बनाने के लिए बोलो तो वो मैं कर सकता हूँ। कुक और घोस्ट दोस्त नहीं हो सकते। क्यों रे? कुक करते ही भूत आएगा ना। बात तो सही है, ये ले जाके तू रख के आ। देखिए जी, मेरा ब्रदर इस घर में गेस्ट है, इसे घोस्ट से कनेक्ट मत करो। आप भी तो एक बहुत बड़े पुलिस ऑफिसर, आप जाके क्यों नहीं रखते? मैं एक छोटे से काम के लिए शेर को भेज रही है, रख के आता हूँ। अगर भूत नहीं हुआ ना तो खाट खड़ी कर। बंदूक चलाने वाले के हाथ में ये रख दिया, आखिर वो भूत है कहाँ? आज उस भूत का बैंड बजाऊंगा। आप इतना डर क्यों रहे हैं? क्या मैं डर रहा हूँ? देखना, अभी जाके मैं भूत को भगाता हूँ। देख के कहीं मर्डर का केस ना बन जाए। कुछ भी हो जाए, आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। ए भूत, मेरी अनुमति के बिना अगर तू इस घर में कहीं आके छुपा हुआ है तो चुपचाप इस घर से निकल के भाग जा। आप डरिए मत ब्रदर, वो अंदर सब संभाल लेंगे। मर्दाना भूत है तो बड़ के पेड़ पे जा, जनाना भूत है तो पीपल पे जा। वैसे मुझे विश्वास नहीं है, लेकिन अगर तू फिर भी इस घर में है तो तुझे एनकाउंटर में शूट करके सारे एविडेंस मिटा दूंगा। अब मैंने ज्योति चला दी। कौन है? आप कौन है? बेटे तू, हमारे घर में भूत आ गया है, चल हम दोनों भाग निकलते हैं। ये कहाँ गायब हो गई? तू इनकाउंटर करेगा क्या? जोर से बात मत कर, वो भूत सुन लेगा। तेरे कानून से डर जाएंगे क्या? ये क्या बेटे, तू भी भूत की तरह बात कर रहा है? भूत की तरह नहीं, मैं भूत ही हूँ। फिर अभी मारना बाकी है क्या? ठीक है, कंटिन्यू करो। हमारे बेटे के ऊपर भूत है? अरे बाप रे, ये सच बोल रहे थे या फिर? सुनिए सुनिए ना, आप कहाँ है? हे भगवान, मोहना तू अभी तक यहीं है? ये आप लोग ऑटो से क्यों उतर रहे हैं? डर के मारे भागते भागते 9 किलोमीटर दूर चले गए। 8 मिनट में 9 किलोमीटर? हाँ मोहना, मैं भाग रहा हूँ, भाग रहा हूँ, और मुझे लग रहा था कि कोई मुझे भगा रहा है। जब पीछे मुड़कर देखा तो हम ऐसे में क्या करते? अपने आप को पुलिस ऑफिसर कहते हैं। मैंने अपने बेटे को डॉक्टर बनाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन देखो अब वो भूत में बदल गया। चाहे कितना भी मारे उसकी सारी मार खा के। हम क्यों मार खाए? उसके बाद उसे घर से भगा के कुछ भी करके अर्जुन को बचा लेंगे। यही नहीं होगा, चलो साथ में घर के अंदर चलते हैं। पिताजी ये क्या?
सब लोग बाहर ऐसे खड़े हो जैसे भूत देख लिया हो। तो बाहर कब आया बेटा? मैं अंदर कहाँ था, अभी अभी तो आ रहा हूँ। सही तो कह रहा है। तूने ही तो मुझे घर के अंदर धोबी की तरह धोया। माँ ये क्या बोल रहे हैं? दरअसल बात यह है कि आज बहुत सारे गुंडों को इन्होंने एक साथ में पीटा और उसके बाद उन्होंने भी इन्हें मारा तो इनके मुँह से खून निकलने लगा। तू जो बोल रही है वो गुंडा मुझे कब मिला? ये सब बाद में करना, मुझे भूख लगी है, पहले खाना लगाओ। चलो आज तक तू कभी नीचे बैठकर खाना नहीं खाया, लेकिन आज अचानक तुझे क्या सोची नीचे बैठकर खाना खाने की? मैंने प्लेट में खाना कब खाया? पत्ता कहाँ है? सुनिए जी। तू ही रखना मोहना, तू रखना। आप रखिए। मर गया रे, बेटे ने सर झुका रखा है, चुपके से पत्ता रख देता हूँ बेटे। अंजला कहाँ है? अरे वो क्या कह रही है? अंजलि के बारे में पूछ रहा है। अंजलि को तो 3 महीने पहले आप ही के वजह से निकाल दिया गया ना? बेटे मेरे ऊपर शक करके नौकरानी अंजलि को तेरी माँ ने 3 महीने पहले ही नौकरी से निकाल दिया। अंजला कहाँ है? दरअसल ये चावल मांग रहा है, जा ले करा। भूख लग रही है, अभी खाएंगे। आगे। ये क्या चावल डाल रही है? केले के पत्ते के ऊपर चावल ही तो डालते हैं ना? चावल पत्ते के ऊपर ही तो डालते हैं। मैंने चावल कब खाए? गुड़ला। क्या कह रहा है बेटे? भूख लग रही है, जल्दी से गुड़ला। गुड़ला बनाता हूँ, बनाता हूँ। मेरे इतने बड़े पुलिस ऑफिसर की हालत देखी, ये गुड़ बना रहे हैं। क्या हुआ? तैयार हो रहा है। बहुत गुड़ क्यों मांग रहा है? लगता है भूत को शुगर है, दे देता है खा लेगा। भूत गायब हो गया, गुड़ भी गायब हो गया। मेरी रक्षा करना। गुड़ बहुत बढ़िया था। अपने बाप को ही ठोके जा रहा है बेटे। बाय बाय गंजे मामा। हे जगदम्बा, हे अम्बे, हे काली माता, हमें बचाओ। दादी का भूत हो या दादा का भूत हो, पता नहीं कौन सा भूत मेरे बेटे के ऊपर चढ़ा है जो उसे इतना परेशान कर रहा है। हे भगवान, मेरे बेटे के शरीर पर जो भूत चिपटा हुआ है वो शाम तक उतर कर शमशान में भस्म हो जाना चाहिए। हे भगवान, उस भूत को निकालो। चलो सब लोग चलो, उसे विभूति लगाते हैं। चलो चलो चलो, लेडीज पहले, चलो बाद में हम चलते हैं। मैं हूँ तो डरने की कोई बात नहीं। लगा दूं क्या? विभूति उसके चेहरे पे लगा के और माथे पे भी लगा देना। मैं जानती हूँ, लेकिन मेरा हाथ कांप रहा है, मेरे से नहीं हो रहा है। हाथ पकड़ो। इसको करंट लग गया, जितना हाथ कांप रहा है जरा हाथ पकड़ रहा है। ओ देवी देवताओं की पूजा करके विभूति लेकर आई हूँ। ये क्या चारों के चारों भूत जैसे लग रहे हो? ये क्या माँ, तू तो बहुत ही डरावनी लग रही है। मेरा बेटा तो बहुत मजाक करने लगा है। सिस्टर, भूत अभी भागा नहीं है, मुझे देखकर काट दूंगा, कह रहा है। जैसे मेरे बेटे में कमी निकाला, जान से मार डालूंगा। इसे अभी का अभी यहाँ से दफा कर दे। ब्रदर, अगर वापस ऐसा किया ना तो तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगी। बेटा तू नहा धो क्या, मैं तेरे लिए बादाम मिल्क बनाती हूँ। आई लव यू माय सन। मेरे बेटे के बारे में आ जाओ मालिक। बॉस, मैं जाके दूध लेके आता हूँ। अबे ओ मोटे, दूध किसको चाहिए, जा सूप बना के ला। मालिक 2 मिनट के लिए भूत को कंपनी दो, मैं सूप बना के लेके आता हूँ। ए टकले कहीं के, इधर आ। मैं यहाँ तो ही तो है अकेला, आजा। कुत्ते की हड्डी, लोमड़ी के कान, हाथी के दांत, ओ हाथी की आंख। इतना सारा खाना बना के बेचेगा क्या? सक्सेस, सूप तैयार है। ये सब क्या है? ये इस सूप में मिलाया है। तो ये भूतों का भोजन है यही ना? अरे मालिक, ये आइडिया मेरा नहीं है, ये पूरा का पूरा आइडिया ना इस किताब से लिया है मैंने। सुन, किताब में लिखा सही होगा, ये सूप पिलाकर भूत को दबा लेंगे। करेक्ट। थोड़ा सा मेरे हाथ में डाला, टेस्ट करके देखता हूँ। मालिक ये आपके लिए नहीं है, उस भूत के लिए है। ये ले जाके दे दो। तू अपने हाथों से ही ले जाके दे। लगता है आपको बहुत डर लग रहा है। जाना। ठीक है, मैं ही ले जाके दे देता हूँ। आज भूत खल्लास। भैया, भैया कहाँ हो भैया?
तुम्हारे लिए गर्मा गर्म सूप लाया हूँ। तुम्हारा ये रूप अचानक कैसे? क्यों, मैं सुंदर नहीं लग रही हूँ? बहुत बढ़िया लग रहे हो। ये बताओ, जरा सी देर में तुमने इतना बढ़िया रूप कैसे बदल लिया? ये अच्छा नहीं है। ओहो, बहुत सुपर है। इतनी बढ़िया खूबसूरती को भला कौन मर्द नहीं चाहेगा? और तू? मैं भी तो मर्द ही हूँ ना। मर्द की मूछें होती है बे उल्लू के पट्टे। वो मेरी माँ ने बचपन में नहलाते समय हल्दी और चंदन पीस के इतना घिसा कि आज तक एक भी बाल नहीं उगा। तेरी माँ के? ये तुम्हें मजाक लग रहा है? मेरी माँ के नहीं, मेरे। ठीक है, थोड़ी देर में मैं उगा देती हूँ। वो कैसे? ऐसे। कहाँ गायब हो गया? बाप। लड़कियाँ तुम्हारे लिए खिलौना बन के रह गई है क्या? मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। छोड़ दे। ये क्या हुआ? तू ऐसे कराता हो क्यों? अंदर एक बहुत ही बढ़िया सुंदरी है। अंदर एक सुंदरी है? मैं मुछ मुंडा हूँ ना, इसलिए। मैं समझ गया, उस लड़की को मुछ मुंडे बहुत पसंद है ना। अरे मुझे ही तो समस्या है। मैं ऊपर से टकला हूँ इसलिए तुझे जलन हो रही है ना। अब तू देखना मेरा रोमांस। अरे ये इतना समझाने पे भी नहीं समझ रहा है, जब तक मार नहीं खाएगा ना। मैं हूँ उस लड़की को जब मैं चुम्मा दूंगा ना तो भैया नाराज तो नहीं होंगे? देना उस भैया को ही तो है। ये क्या कह रहा है? भैया का ही बनाया हुआ प्लान है। बेझिझक जाओ और बढ़िया से करके आओ। यार मुझे बहुत शर्म आ रही है। ऐसे ही शर्माते हुए आँख बंद करके जाओ, बहुत बढ़िया से देगा। खुल जाएगा किस्मत का ताला। अंदर जाके तो देख, पता चलेगा। भैया एक्सक्यूज मी, भैया दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्यों? सिर्फ भैया ही चाहिए? भैया मुझे नहीं चाहिए, ये ब्यूटीफुल सुंदरी चाहिए। तो जल्दी से स्टार्ट करना। जल्दी से स्टार्ट करूं? कहां से स्टार्ट करूं? तो ठीक है, मैं स्टार्ट करूं? नो, जेंट्स फर्स्ट। क्या मसल्स है। आ जाओ, आई एम वेटिंग। सदा सुखी रहे। शुक्रिया। तुझे कच्चे में देखकर मैं कुछ और ही समझा, बस यही गलती हो गई। अब अगर एक मिनट भी और इस घर में रुके तो भूत कचूमर बना देगा। चलो सिस्टर को बोल के निकल जाते हैं। नहीं, ये सुन, भूत सब सुन लेगा, चुपचाप यहाँ से निकल लेते हैं। क्यों बे, यहाँ औरत रहती है, आधे अधूरे कपड़े पहनकर इधर उधर घूम रहे, शर्म नहीं आती? औरत का है, एक चुड़ैल ही तो है। मेरी औरत को? आपकी पत्नी को नहीं कहा? अरे ये क्या कर रहे हैं आप? मेरे ब्रदर ने ऐसा क्या कर दिया जो आप उन्हें इतना डांट फटका रहे हैं? एक गेस्ट का कोई इस तरह अपमान करता है क्या? वो सब छोड़ो, पूरा घर छान मारा। वो 4 किलो सोना कहाँ रखा है? हमारे घर में 4 किलो सोना है, ये तुझसे किसने कहा? छोड़ो, तुम्हारी बीवी शादी में 4 किलो सोना लेकर आई है, ये जानकर ही हम चोरी करने आए। ये बात तो सच है। किसने कहा? ऐसन, जब शादी तय हुई थी तो 4 किलो सोना डालेंगे, ऐसा उन्होंने कहा था। ठीक है। लेकिन थाली बदलते हुए 3 किलो कम कर दिया। ठीक है, तो उसके बाद? शादी के समय 2 किलो कम दिया। उसके बाद सुहाग रात के दिन देखा तो कुछ भी लेके नहीं आई। बता रहे हो, अब 1 ग्राम भी लेके नहीं आई। तो पहने हुए गहने नकली हैं? हाँ ये सब नकली हैं ब्रदर। मोना ये क्या कह रही है, हमें तुम्हारा सोना चाहिए ही नहीं। तो फिर बिरयानी? इस पुलिस वाले को खिला देना। गंजे, दफा हो जा, तू चल। अभी तक गए नहीं, भूत आ गया, भागो भागो। अर्जुन क्या हुआ है तुझे? भूत घर में है, जब पता चला तो उसे भगाना चाहिए था ना। कुत्ता काटता है आत्मा पटकती, ये भी नहीं जानते क्या? बता ना, तू ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है? आजकल तेरी एक्टिविटीज ठीक नहीं है। सुनिए, जैसा आपने कहा था, हमारे घर के प्रेत आत्माओं ने मार मार के इनका बुरा हाल कर दिया है। अब आप ही कुछ कीजिए ना भैया। मैं आत्मा है या नहीं यही बता सकता हूँ, लेकिन उसे भगाने वाला आदमी दरगाह में है। अर्जुन तुझे हुआ क्या है? हार्मोनल प्रॉब्लम है क्या? चल डॉक्टर को दिखाते हैं। लड़की है तो छोड़ देता हूँ, चली जा। मैं नहीं जाऊंगी, तू बदल गया है, चल मेरे साथ। अरे बाप रे, ये क्या हुआ? अरे रे, ये यहाँ कैसे? अरे उसे छूना नहीं। ये लड़की कौन है? ये हमारे बेटे के साथ पढ़ती है कॉलेज में। उसके साथ पढ़ने वाली हमारे घर में क्या कर रही है? हम क्या कोई ट्यूशन निकालते हैं? आंटी और
अर्जुन नहीं है, क्या कह रही है? वो लड़की बन गया है। क्या कह रही है? कुछ भी करके उसे बचा लो। कुछ भी करके मेरे बेटे को बचा लीजिए। या अल्लाह, इस शैतान को भगाने की ताकत दे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। भाग यहाँ से। ऐ नापाक शैतान, कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है उससे बिल्कुल मत डरना। ऐ शैतान, क्यों सलीम भाई मस्जिद में नमाज वगैरह पढ़ाना छोड़ के मुझे मारने के लिए आया है? मैं तेरी जान बख्श देता हूँ, चुपचाप यहाँ से चला जा, नहीं तो तुझे जला डालूंगा। कौन है तू और यहाँ क्यों आया? अल्लाह का नाम लेकर तुझे इसमें बंद किए बिना ये सलीम भाई नहीं जाएगा। लड़ने के लिए आया है, आ जा। कुल्हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम युवलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। ऐ शैतान, निकल जा यहाँ से। जानता है ये क्या है? रमजान में दुरूद शरीफ पढ़कर बकरे की कुर्बानी देकर अल्लाह से हासिल की हुई छुरी है ये। इस जंजीर से तुझे बांध दूंगा शैतान। कौन है तू, जल्दी बता। रहने दो बाबा। इस जंजीर की धार से तुझे बांध दूंगा। ए, रहने दो। कौन है तू? इसके शरीर में से मुझे मत निकालना बाबा, मत निकालना। तेरा खेल खत्म हो गया। अल्लाह अल्लाहु समद। अगर आप भी नहीं बताया कि तू कौन है तो तुझे यहीं जलाकर खाक कर दूंगा। जला दूं? बोल शैतान। मेरा नाम है बिंदी। आ जाओ सब लोग, जल्दी आ जाओ। क्या बात है रघुवीर, इंडोरा क्यों पीट रहा है? गाँव वासियों को आज ये सूचना दी जाती है, 3 महीने से हमारे गांव में सूरज की किरण ही नहीं पड़ी है, अभी तक ईश्वर की कृपा नहीं हुई है, लेकिन आज हमारी देवी स्वामी बिंदी हम सबको भविष्य बताने वाली है। ये देवी की ही आज्ञा है। बिंदी देवी आ गई है। अगर तुम अभी चुप रही तो गांव खत्म हो जाएगा। पूरा गांव तुम पर ही भरोसा करता है। एक अच्छी भविष्यवाणी करके इस गांव को बचा लो। आओ देवी, अपने सिंहासन पर बैठो। हमारे गांव में जो अंधेरा है उसे दूर करो माते। सुबह हमारे गांव में सूर्य उदय होगा, गांव में फसल उगेगी, हमारे गांव के लोगों की भूख मिटेगी। ये माता की भविष्यवाणी है। 3 महीनों से हमारे गांव के लोगों ने सूरज नहीं देखा था। मेरी भविष्यवाणी सच होगी ये सोचकर गांव वाले सो रहे थे। बिंदी देवी की भविष्यवाणी सच हो गई है। सब लोग आके देखो, हमारे गांव में उजाला हो गया। क्या हो गया? क्या हो गया देवी? क्या हो गया देवी? बिंदी बेटा, तुम्हें क्या हो गया बेटा? पता नहीं पिताजी, पूरा बदन जैसे जल सा रहा है। ये परंपरा कैसी है? क्यों पिताजी, जरा से बात के लिए नीचे से डॉक्टर को क्यों बुला लिया आपने? हम इन्हें बुलाकर नहीं लाए बिंदी, ये खुद तुम्हें देखने आए हैं। नमस्ते, सबको नमस्ते। आपके पहाड़ी गांव में हमें कार से आते समय बहुत ज्यादा तकलीफ हुई, पर आपकी बेटी ने रोजाना 20 किलोमीटर पैदल जाकर पढ़ाई की और पूरे राज्य में प्रथम स्थान पाया। प्रथम स्थान पाने वाले स्टूडेंट्स को मेरे कॉलेज में पहले एडमिशन। तुम्हारी जैसी होनहार स्टूडेंट को मैं अपने कॉलेज में एडमिशन दे रहा हूँ, ये मेरा सौभाग्य है। डॉक्टर साहब, आप ये क्या बोल रहे हैं? आज के जमाने में जो मेडिकल का व्यापार चल रहा है, मैं बस उसे सुधार रहा हूँ। तुम मेरे कॉलेज में मेडिकल पढ़ के डॉक्टर बन के यहाँ के 27 गांव के लोगों की सेवा करना, मैं बस यही चाहता हूँ। मेडिकल की पढ़ाई के लिए मुझे माफ कर दीजिए, मैं इस गांव में जन्मी हूँ, ये मेरा सौभाग्य है। 12वीं तक पढ़ाई की अपने गाँव के बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाने के लिए। मेरी नीचे जाकर पढ़ने की कोई इच्छा नहीं,
मेहरबानी करके आप यहाँ से चले जाइए। ये पूरा गांव तुम्हें देवी मानता है। इन लोगों के लिए तुम्हें डॉक्टर बनकर कुछ करना चाहिए ना। देखिए, आपने खुद कहा है कि ये बिंदी देवी माँ है, इनका छूना ही काफी है, हमारी बीमारियाँ दूर हो जाती है, इसलिए आप जाइए। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी के लिए इतनी दूर पहाड़ी पर आए हैं, लेकिन हमें आपकी बात मंजूर नहीं। चलो चलो, सब लोग अपने काम पे जाओ। ये लोग कितना बढ़िया चांस मिस कर रहे हैं डॉक्टर। ए जल्दी आ, ए जल्दी आ, जल्दी आ जाओ यहाँ से आना। ओहो, पता नहीं बच्ची को क्या हुआ। हटो हटो, रास्ते से हटो। ए सुनो, जल्दी से खाट बिछाओ। बेटी अपनी आंखें खोलो। पिताजी। स्वामी। क्या हुआ बेटी? क्या हुआ बेटी? पता नहीं क्या हुआ। आओ बेटी। ये कैसे हुआ? जरा हटिए, हटिए। क्या हुआ छोटी को? गली में अच्छी खासी खेल रही थी, मैंने वहाँ जाके देखा तो बेहोश पड़ी थी। अरे बाप रे, अब यहाँ बातें करते रहोगे? ये जल्दी से जाकर हरी पहाड़ी से बैग को लेकर आओगे। ले आओ। हरी पहाड़ी कहाँ है? यहाँ से 32 किलोमीटर दूर। 32 किलोमीटर दूर? तब तक तो ये बच्ची मर जाएगी। आप कहें तो मैं इसका इलाज करूँ। साहब जी, हम हमारी परंपरा से देख लेंगे, बच्ची बहुत सीरियस है। ठीक है, आप देख। सब लोग हटो, पीछे हटो, इमरजेंसी बॉक्स लाओ। ओके डॉक्टर। डॉक्टर, ओह माय गॉड, सर के पीछे बहुत गहरी चोट लगी है। कुछ नहीं हुआ, तुम्हें कुछ नहीं हुआ। इसे थोड़ा पानी पिलाओ। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बच्ची को बचा लिया। इसे मैंने नहीं बचाया, मेरे किए गए इलाज ने बचाया। कौन सी दवाई देकर किसी की जान बचाई जा सकती है, यह एक डॉक्टर ही जानता है। बिंदी जी, डॉक्टर पढ़ना लिखना सिखाना ये तो जरूरी है ही, लेकिन किसी की जान बचाना ये तो उससे भी जरूरी है ना। पढ़ने के लिए 20 किलोमीटर दूर जा सकते हैं, लेकिन किसी की जान बचाने के लिए 32 किलोमीटर दूर पैदल जा सकते हैं क्या? वक्त पर इलाज बहुत जरूरी होता है, मैंने सही कहा ना? देवी तुम्हें पढ़ना होगा। देवी? हाँ देवी, तुम्हें पढ़ाई करनी होगी। हाँ देवी, तुम्हें पढ़ाई करनी होगी। पढ़ाई करके तुम्हें बड़ा डॉक्टर बनना होगा। देवी तुम्हें पढ़ाई करके डॉक्टर साहब की बात मानना। देवी तुम सबके लिए मैं पढ़ूंगी। मैं गाँव के लोगों की भलाई के लिए कई सपने लेकर इस मेडिकल कॉलेज में आई थी। प्रणाम साहब जी। अरे डॉक्टर साहब, मेरे भैया को किसी भी तरह से बचा लीजिए। डॉक्टर का काम होता है किसी की जान बचाना, लेकिन बचाने वाला तो भगवान है। पेशेंट सीरियस है, ऐसा फोन आया था। मैं पूरी कोशिश करूंगा, हिम्मत रखो। तुम लोग हिम्मत रखो। हाँ रघुवीर को क्या हुआ? अचानक से नीचे गिर के बेहोश हो गया। ये तो अच्छा हुआ कि डॉक्टर साहब हमारे गांव में ही थे, नहीं तो भैया तो कब के मर गए होते। मैं जाकर नींद से मिल कर आती हूं। पल्स डाउन होती जा रही है। डीन, रघुवीर को। दिस इज ऑपरेशन थिएटर। बिंदी, इसकी हालत बहुत ही नाजुक है। ये जब नीचे गिरा तो इसके छोटे दिमाग पर चोट लगी, बचना बहुत मुश्किल है। तुम MBBS की पढ़ाई कर रही हो, तुम समझ सकती हो। इसके मरने के बाद इसके शरीर के अंग अगर हम किसी को दान में दे देते हैं तो जानलेवा बीमारी से जूझते कई बीमार लोगों को हृदय, किडनी, लीवर ये देकर उन लोगों की जान बचाई जा सकती है। इसलिए ये बात गाँव के लोगों को तुम ही समझा सकती हो। डीन, मैं कैसे? एक डॉक्टर होने के नाते मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, 4 लोगों की जिंदगी बचाने के लिए मदद करो। आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, आप जो भी करेंगे लोगों की भलाई के लिए ही करेंगे। कि क्या मैं एक बार रघुवीर जी को देख सकती हूँ? टाइम हो गया है, जाओ जल्दी जाओ, देख कराओ। क्या बात है बिल्ली? वो अभी भी जिंदा है, उन्होंने मेरा नाम लेकर पुकारा। डीन, डीन, उन्हें कुछ नहीं हुआ है, वो जिंदा है। बिल्ली, सब कुछ खत्म हो गया। I'm very sorry. रघुवीर चाचा, रघुवीर चाचा, रघुवीर चाचा।
सुनिए सुनिए। क्या बात है? हमारी बड़ी बेटी बिंदी और जो हमारी छोटी बेटी है, कहीं वो हमें छोड़ के ना चली जाए, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम ऐसी बात क्यों कर रही हो? हमारी बिंदी जहाँ पढ़ाई कर रही है वहाँ पर कुछ गलत हो रहा है। उस अस्पताल में हमारे गांव के जो चार लोग इलाज के लिए गए थे वो वहाँ से मुर्दा बनकर लौटे हैं, और उसी अस्पताल में हमने छोटी बेटी को भर्ती कराया है। पता नहीं क्यों मुझे बहुत डर लग रहा है, चलो हम अपनी बच्चियों को ले आए। बेकार में फालतू बातें मत करो, बिंदी डॉक्टरी कर रही है, छुटकी ठीक हो जाएगी, हम कष्ट उन्हीं के लिए तो उठा रहे हैं। इसी तरह जरा सी चोट ठीक कराने के लिए मुझे भी वहाँ भर्ती कराया था, मुझे भी मार दिया। ये क्या बोल रहे हैं पिताजी? तुम्हारी माँ ने सपने में जब मुझे बताया उसके बाद यहाँ पढ़ना ठीक नहीं लग रहा है। यहाँ पर जितने भी लोग आए वो सही समय पर नहीं आ पाए, इसीलिए इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। जब से तुम गांव छोड़कर आई हो तब से देवी ने हमसे बात करना बंद कर दिया। परंपरा के विरुद्ध तुम्हें यहाँ पढ़ाई करने भेजा, इसीलिए जो भी गलत हो रहा है उसके बारे में हम पहले से नहीं जान पा रहे हैं। जो कुछ खोया काफी है, अब हमारी जो छुटकी है वो मरनी नहीं चाहिए। छुटकी को कुछ नहीं होगा, डॉक्टर देखना उसे जरूर बचा लेंगे। नहीं देवी, तुम एक डॉक्टर की तरह बोल रही हो, हमारी देवी माँ की तरह नहीं। इसीलिए हमारे मन के अंदर जो पीड़ा है उसे तुम समझ नहीं पा रही हो। ठीक है, आओ पिताजी, पहले चलकर छुटकी को देखते हैं। ठीक है बेटी, आओ। बेटी छुटकी ठीक हो जाएगी ना? पिताजी, छुटकी की नब्ज एकदम नॉर्मल है, इसकी जान को कोई खतरा नहीं। लगता है कोई आ रहा है, आईसीयू वार्ड में अगर कोई नया आदमी देखा तो मुझे डांटेंगे। आप लोग जल्दी से छिप जाइए। ठीक है बेटी। पेशेंट नेम पूर्णी। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, डॉक्टर सोम सुंदर ने जिन्हें भेजा वो ड्यूटी डॉक्टर आप ही है ना? जी हाँ। आज के 11:30 की दुबई की फ्लाइट में इसका हार्ट पैक करके भेजना। इट्स वेरी अर्जेंट, सो वेयर इज योर सर्जन टीम? आप बाहर वेट कीजिए, वो अभी आ जाएंगे। ओके, कॉल देम इमीडिएटली, लेट्स गो। क्या हुआ बेटी? डीन को शायद पता नहीं है पर यहाँ पर कुछ गड़बड़ है पिताजी, मैं जाकर डीन को बताती हूँ, आप छुटकी को उठा दीजिए। इस तरफ चलिए। क्या बात है बिंदी, क्या हुआ? डीन, हम आपसे ही मिलने आ रहे थे, मेरी छुटकी का हार्ट निकालने का प्लान बन रहा है। शायद आपको पता नहीं है पर इस हॉस्पिटल में कुछ गड़बड़ हो रही है। डॉक्टर, हमारे गांव ने तुम्हें भगवान की तरह माना और तुमने हमें धोखा दिया। मैंने तुमसे कहा था कि मुझे क्या? ये हमारी लिस्ट में है क्या? नहीं है डॉक्टर। तो ठीक है, इसे कंपाउंड के बाहर ले जाओ। ए बिंदी, हमें छोड़ दो, मेरी बेटी को कुछ मत करना, मेरी बेटी को कुछ मत करना। आजा। Hey, इन लोगों का वो सिंहासन यहाँ लेकर आओ। ओके सर। बिंदी देवी के बैठने का सिंहासन। कभी ना हमारी देवी के सिंहासन पर बैठ। hey, बिंदी, मैं तेरे पहाड़ी गांव में आया, तुझे MBBS की पढ़ाई करने के लिए तुझसे रिक्वेस्ट की। किस लिए? बॉम्बे ब्लड वाले हार्ट के लिए, और वही मेरा बिजनेस है। तुम्हारे गांव के लोगों का बॉम्बे ब्लड है ये बात मुझे कैसे पता चली, यही सोच रहे हो ना? आज हमारे गांव वासियों के लिए विशेष सूचना है, टीबी की बीमारी, मलेरिया की बीमारी, चिकनगुनिया की बीमारी, डेंगू की बीमारी, इन सब के लिए मुफ्त में दवाई देने के लिए शहर से यहां डॉक्टरों की एक टीम आई है। बिना चूके अपना रक्त जांच करा लेना, ये हमारे गांव के मुखिया का आदेश है। आ जाओ सब लोग, जल्दी से अपने खून की जाँच करा लो। सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। रिपोर्ट रेडी सर। वहाँ इतने सारे लोगों का बॉम्बे ब्लड ग्रुप है। बॉम्बे ब्लड का मतलब क्या है? सन 1952 में बॉम्बे में एक एक्सीडेंट हुआ था। अपनी जान से जूझते उन जख्मी लोगों को बचाने के लिए कोई भी ब्लड ग्रुप मैच नहीं हुआ, और तभी ऐसा एक ब्लड ग्रुप है ये बात पता चली। मेडिकल टर्म्स में इसे HH कहते हैं, कुछ लोग इसे OH भी कहते हैं। बॉम्बे में सबसे पहले इसका पता चला, इसीलिए इसे बॉम्बे ब्लड कहते हैं। ये रेयर ब्लड न मिलने के कारण कई लोग मर जाते हैं। डॉक्टर
करके इस पवित्र काम को तुमने अपना धंधा बना लिया ना डीन, तुम्हारा जमीन नहीं है क्या? नहीं है, एक बॉम्बे ब्लड वाले दिल की कीमत है 7 करोड़ 7 करोड़। छोड़ दूंगा क्या? इस दुनिया में केवल 70,000 लोगों का ही ये ब्लड ग्रुप है। इस ब्लड की कितनी कीमत है ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ, ऐसे छोड़ दूंगा क्या? तेरे जरिए ही ये खेल खेल सकता था, इसीलिए तुझे मैंने अपने कॉलेज में एडमिशन दिलाना चाहा, लेकिन तूने और तेरे बाप ने उसके लिए मुझे मना कर दिया था। तभी मैंने तेरी बहन के जरिए प्लान किया। आंख मिचोली खेलो, तुम सब मुझको पहचानो, तेरे गांव के जो 7 लोग मरे ना वो अपने आप नहीं मरे। यहाँ सबका ब्लड टेस्ट हो गया सर। प्रणाम रघुवीर, कैसे हो? बहुत अच्छा हूँ। कहीं ढिंडोरा पीटना हो तो मुझे बता देना, अगर खाली बैठा रहा तो खून ठंडा पड़ जाएगा कहते हैं ना। ये खुद हमें खून की याद दिला रहा है, ये हमारी लिस्ट में है क्या? अभी चेक करता हूँ डॉक्टर। मेरे बारे में इतना सोच क्यों रहे हैं? ये 7वें नंबर पर है, पहले इसे ही उठाते हैं। इंजेक्शन रेडी करो। रघुवीर। हाँ जी। इधर आओ। मैं अभी आया जी। हाँ क्या बात है? ढिंडोरा पीटते समय तुम्हारी आवाज अच्छी नहीं आती, जरा आकर ना। और मुँह खोलो। अब उस लिस्ट में बचे तू, तेरा बाप और तेरी छोटी बहन। मेरी बहन। और उसके बाद तुम्हारे उन 27 गांवों में जो बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाले हैं उनको मारकर तुम्हारा दिल निकालने का मैंने सोचा था, लेकिन तेरी किस्मत, तुझे सबसे पहले मरना पड़ रहा है। तेरे बाप को मारने तेरे गांव गया तो वो यहाँ है पता चला, इसीलिए मैं सिंहासन उठा लाया। तू अपने गाँव के लोगों को इस सिंहासन के ऊपर बैठ कर ही भविष्य बताती है ना, अब तो उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बिंदी, तेरी फैमिली के हार्ट के लिए कस्टमर वेट कर रहे हैं। तुम जैसे लोगों के कारण ही हम अपना गांव छोड़ के कहीं नहीं जाते। तेरे किए इन पापों के लिए हमारी देवी तुझे दंड जरूर देगी। सबसे पहले इसे ले जाओ ऑपरेशन थिएटर में। डेड बॉडी पड़ी है, उसकी सांसें चल रही हैं। अब मुझे तो बहुत डर लग रहा है। जोर जोर से सांसें ले रही है। चल चल जल्दी जाके देखिए। ये देखिए डॉक्टर, ये सांसें कैसे ले रही है, कैसे? हाउ इट इज पॉसिबल, इसकी बॉडी से तो सारे पार्ट्स निकाल लिए हैं, ये तो मेडिकल मिरेकल है। मेरे शरीर का एक एक अंग उस जीन ने निकाल लिया, पर मैं मरी नहीं, इसलिए उस कमीने डीन ने मंत्रवादी को बुलाया ताकि वो मुझे अपने वश में कर सके। उसी मंत्रवादी का नाम है ब्रह्मेश्वरी। इसका दिल निकाले हुए कितना टाइम हुआ? पूरे 4 घंटे हो गए, अभी भी प्राण नहीं निकले। जाने में गलत लड़की पे हाथ डाला आरके। ब्रह्मेश्वरी, अब मैं क्या करूं? बुरी से बुरी दुष्ट आत्मा को भी मैं अपने वश में कर सकती हूँ, लेकिन आरके इसके जैसी दैविक आत्मा को वश में करना बहुत मुश्किल है। जय काली। चामुंडेश्वरी का नाम लेकर मैं इसकी आत्मा को अपने वश में करके रहूंगी। कब्र में लेटाओ। ओम ह्रीम क्लीम, मेरी मंत्र शक्ति से मैं इसकी आत्मा को बांधने वाली हूँ, और इस कब्रिस्तान में जितनी भी दुष्ट आत्माएं हैं वो सब इसकी चौकीदारी करेंगी ताकि ये बाहर ना निकल पाए। सुन लिया? ये मंत्रों का यंत्र जंजीर बन के इसको जकड़ के रखेगा। ये आग बुझे उससे पहले कब्र बंद कर दो। अभी बंद करते हैं। हे डॉक्टर, इसका कौन सा खून है? बॉम्बे ब्लड। इस लड़की की इस कब्र के ऊपर किसी भी इंसान के खून की एक बूंद भी नहीं गिरनी चाहिए, याद रखना। गिरा तो? मेरे मंत्रों की शक्ति से वश की गई ये दुष्ट आत्मा बाहर आ जाएगी। ब्रह्मेश्वरी, मैं अपने आप को बचाने के लिए तुझे यहाँ लेकर आया, मैं कब्रिस्तान में चौकीदार बनकर जिंदगी नहीं गुजार सकता। ये ले, ये कोई मामूली पत्थर नहीं है, कई सालों तक तपस्या करके इसे बनाया है। नागराज के जहर में कई सालों तक पड़ा रहने वाला पत्थर है। जब तक ये तेरे गले में रहेगा कोई भी बुरी आत्मा तुझे छू नहीं सकती। पहले ला दे।
बहुत सारी आशाओं के साथ मैं डॉक्टर की पढ़ाई करने आई थी। बॉम्बे हार्ट के लिए इन कमीनों ने बहुत सारे बेगुनाह लोगों को जान से मार दिया। अपने कब्र से बाहर आने के लिए मैं बहुत सालों तक इंतजार करती रही। जब ये एडमिशन लेके कॉलेज में आया तो उस वक्त इसके खून की बूंद मेरी कब्र पे गिरी और मुझे इसका शरीर मिला। इसका भी बॉम्बे ब्लड है, अगर ये पता चलता तो वो लोग इसे भी मार देते। इसलिए मैंने बॉम्बे ग्रुप के जो भी कार्ड थे उन सब का ब्लड ग्रुप बदल दिया। उसने ब्लड रिपोर्ट्स बदल दी तो सोचो वो कितनी चालाक है। इसका मतलब उस लड़के का भी बॉम्बे ब्लड ग्रुप है। अगर जान जाते तो उसे भी मार देते ना डॉक्टर। इसलिए नहीं बाबा, मुझे इस शरीर से मत निकालना, बहुत कमीना है। मेरा बदला पूरा होने तक मुझे इस शरीर से मत निकालना बाबा। अपना बदला लेने के लिए तू इसके ऊपर, इसके घर वालों के ऊपर जुल्म ढाई, ये कहाँ का इंसाफ है? मैं अगर तुझे छोड़ भी दूँ तो वह मंत्रवादी तुझे नहीं छोड़ेगी। नवग्रह 27 नक्षत्र, उसमें से मृग राशि के नक्षत्र में पूर्णिमा के नवमी और चंद्र ग्रहण के दिन जन्म लेने वाला एक मनुष्य मुझे तुरंत चाहिए। माते बिल्कुल मेरी कुंडली के हिसाब से बोल रही हो। मुझे अपने साथ रख के मेरे साथ ही विश्वास। रमेश्वरी इसे क्यों मारा? तुझे बचाने के लिए इसे मारना जरूरी है क्योंकि इसी की आत्मा बिंदी की आत्मा को उठा के लाएगी। जा। ए बिंदी, तूने मेरी आँख फोड़ी। मौलवी साहब मेरी बेटी को बचा लो। मौलवी साहब अगर तुमने मेरे साथ कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं अपने साथ साथ इसे भी मार कर ले जाऊंगी। मेरे बेटे को कहो कि वो कुछ भी ना करे। बोलो ना बाबा। तू कुछ मत करना। मेरे पास इसका शरीर है, क्या मैं इसे मार डालूं? तुझे 3 दिन का वक्त देता हूँ, पूर्णिमा से पहले अपना बदला लेकर इसे छोड़ देना। अल्लाह के नाम की कसम खा, कसम खा, जल्दी। अरे क्या हुआ आपको? वो मंत्रवादी तुम्हारे बेटे को उठा के ले गई। वो मंत्रवादी उसे कहाँ ले गई? मुझे उठाने के लिए तूने इसे भेजा था, लेकिन मैं इसे उठा लाया। आज मैं तेरा खेल खत्म कर दूंगा। ये तुझसे नहीं होगा। तुम मुझे चैलेंज करती है, अभी दिखा दो। सुबह होने से पहले ये दुष्ट आत्मा नष्ट होनी चाहिए। तेरा बचना मुश्किल है। ए, उस कमीने का साथ मत दे। मुझे छोड़ दे। तुझे कुंडल में बंद करके 7 समंदर पार गहराई में ले जाकर दबा दूंगी। ऐसा मत करो, अगर इस कमीने को जिंदा छोड़ दिया तो ये हमारा वंश ही खत्म कर देगा। मुझे मत रोको, उस कमीने को खत्म करने दो। दीदी मेरी सांसें चल रही थी फिर भी डॉक्टर ने मेरा दिल निकाल लिया। उसे तुम मत बचाओ, तुम्हें हमारा दर्द दिखाई नहीं दे रहा है क्या? ओम काली जय काली भद्र काली। आजा, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। अब अपने बेटे को बचाना चाहते हो तो पहाड़ी पर जो बिंदी माता का मंदिर है वहां जाओ। Oh.
कहाँ गया वो? के लिए हमारी देवी तुझे दंड जरूर देगी। चलो वो तुझसे बदला लेने के लिए छटपटा रही है, लेकिन तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, अपनी जान देकर भी मैं तेरी रक्षा करूंगी। मंत्र काली भद्र काली उसे लेकर आ। नहीं आएगी, आ जा। मुझसे आँख बिचौली खेल रही है बिंदी। उसने मुझे मारा, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। ये मामूली औरत नहीं है, इसने मुझे भी धोखा दिया। मैं मेरी आत्मा तेरे शरीर में डालती हूँ, उसे खत्म कर दे। इसको मारने का एक ही उपाय है, अपने कुल देवता को पुकारो। आ, 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 आ,